हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। सुन स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे जो पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाई कोर्ट, जितने भी राजस्थान में जो एग्जाम होंगे उनमें आपको हेल्प मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो बनास की नदियाँ रही थी हमारा अगला टॉपिक, तो हमारा लूणी हो गया। जितने अपवाह तंत्र, जो अपवाह है, अपवाह क्षेत्र यानी नदियों के बारे में, जो बंगाल की खाड़ी में करती है उनकी ट्रिक बना दी है, खंबात की खाड़ी में गिरने वालों की, और जो अंतःप्रवाह वाली नदियां हैं इन सब की ट्रिक बन चुकी है। लूणी नदी की वीडियो डल चुकी है, चंबल की डल चुकी है, अब हम बनास की और आगे आने वाली जितनी वीडियो हैं उनमें आगे आने वाली नदियों के प्रवाह क्षेत्र की बातें करेंगे। तो बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र की ट्रिक है, पहले इसकी नाम देख लेते हैं कि बनास नदी के जो नाम है वो कौन कौन से हैं। तो बनास नदी का और नाम है, बनास नदी के अलावा इसे वर्णासा भी कहते हैं, विशिष्टि भी कहते हैं, और इसको वन की आसा भी कहते हैं। तो इनके ये तीनों नाम हैं, वर्णासा, विशिष्टि और वन की आसा। बनास नदी का प्रवाह तंत्र है, और इसको पूर्ण बहाव की दृष्टि से ये सबसे लंबी नदी भी बनास नदी है। तो इसकी प्रवाह तंत्र की सूत्र है, इसका मतलब ट्रिक है इसकी, इसको 10 से 12 बार पढ़ लेना, जिससे आपको ये कंटेस्ट हो जाएगी, और फिर टेस्ट दे के देख लेना, आपको तुरंत इसका असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें ट्रिक है, बनास खा राज उचित भी व अटूट सा है। बनास का राज, बनास का राज बोल दो चाहे खा राज बोल दो, लेकिन याद तो खा ही रखना है। तो बनास खा राज उचित भी वह अटूट सा है, मतलब उचित भी है और अटूट सा है। तो बनास का राज जो है, राज यानी जो राज होता है वो, तो बनास का राज उचित भी है और अटूट सा है। तो इसकी है, बनास खा राज उचित भी और अटूट सा है, ठीक है। तो बनास का राज उचित भी और अटूट सा है, तो इसका हो गया बनास से, तो बनास हो जाएगी, खासे हो जाएगा जो खमनौर की पहाड़ियाँ हैं, खासे याद होते हैं आपको, ऑप्शन में दिख जाएगा कैसे खमनौर की पहाड़ियाँ, तो तुरंत टिक लग जाएगी। तो कैसे हो जाएगा खमनौर की पहाड़ियाँ, ये यहाँ से निकलती है, ये पड़ती कहाँ पे है उसके बारे में। राज से हो गया राजसंबंध, राजसंबंध में पड़ती है खमनौर की पहाड़ियाँ, तो राजसंबंध हो गया। राजसंबंध के बाद में क्या हो गया, ऊ को छोड़ देना, चित से हो गया चित्तौड़गढ़, राजसंबंध में चित्तौड़गढ़। फिर चित्तौड़गढ़ के बाद में भी से हो जाएगा भीलवाड़ा। तो बनास से बनास, खास से खमनौर की पहाड़ियाँ, राज से राजसमंद में निकलती है, उचित से चित से चित्तौड़गढ़ में आती है, फिर भी से भीलवाड़ा में आती है, अटूट से ऐसे हो जाएगा अजमेर, से और टूट से हो जाएगा टोंक, और सा से हो जाएगा दोस्तों सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में एक रामेश्वर नाम की जगह है, तो वो एक धाम है रामेश्वर नाम का, तो वहाँ पे ये जाके मिलती है। तो इनमें तीन नदियाँ मिलती है वहाँ रामेश्वर धाम में, एक तो चंबल हो गई, एक बनास हो गई, और एक का नाम है सीफ। तो चंबल, बनास और सीफ, ये तीनों नदियों का संगम है, यानी त्रिवेणी संगम है रामेश्वरम में, सवाई माधोपुर के अंदर। फिर अब बनास की सहायक नदियाँ, ये तो है बनास का जो प्रवाह तंत्र था, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है वो, और अब इसकी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। इसकी ट्रिक है, मैना मासी को काली डाई बेच सोक दी। यानी कोई बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सोक निकालते हैं वापस बाढ़ों में, तो वो ब्लैक करते हैं। तो इसलिए मैना कोई लड़की का नाम है, वो अपनी मासी को क्या करती है, काली डाई बेच देती है, लेकर आती है और वो बेच देती है मौसी को, और उसको सोख दी, मतलब जो उसकी सोख थी वो दी। तो मैना मासी को काली डाई बेच कर सोख दी, वापस जवानी की याद दिलाई, तो वो हो गया। तो मैना मासी को काली डाई बेच सोख दी, तो मैना से हो जाएगा दोस्तों, मैना से हो जाएगा मैनाल, मैना से मैनाल हो गया, मासी से मासी नदी हो गया, कोस से हो जाएगा दोस्तों कोठारी नदी हो जाएगा, काली से हो जाएगा दोस्तों काली सील नदी हो जाएगा, डाई से डाई नदी हो जाएगा, बेच से बेचड़ नदी हो जाएगा, ठीक है। सो से हो गया सोदरा, और
सोच रहा होगा और कैसे हो जाएगा खारी नदी, और दी से या डी से याद रख लेना डेल नदी, डेल नदी या डेल नदी। तो दोस्तों ये भी ट्रिक इजी है, मैना मासी को काली डाई बेच सौंप दी, मैना मासी को काली डाई बेच सौंप दी, तो मैं से मैनाल, माँ से मासी, कोट से कोठारी, काली सील से का से काली से काली सील, डाई से डाई, बेच से बेचड़ या बेडच, सो से सोधरा, कैसे खारी, डी से या डी से ढील नदी। तो दोस्तों यह है बनास की जो प्रवाहित क्षेत्र है उसकी सहायक नदियाँ, और बनास की जो प्रवाह क्षेत्र है उसकी सहायक नदियाँ। तो पहले वाले वीडियो दोस्तों ज़रूर देख ले, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। पहले वाले वीडियो लूणी नदी का डल चुका है, इसमें लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में इसकी, लूणी नदी का और चंबल नदी का, इसमें दोनों के लिंक मिल जाएंगे आपको। पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी उससे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे और बढ़ते रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।